जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति। तो सी एक्स बॉन्ड को सबसे पहले समझते हैं। तो सी एक्स बॉन्ड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है, ये जो है दोनों में अंतर पाया जाता है। एक्स का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है, एक्स का ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का ज्यादा होता है कार्बन से। तो इस कारण से जो इस पर आंशिक ऋण आवेश, इस पर सी पर जो आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, सी पर आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जिस कारण से जो है ये जो एल्काइल हैलाइड को ध्रुवित कर देता है, जिस कारण से एल्काइल हैलाइड ध्रुवित हो जाता है। जो एक्स की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा के कारण कार्बन से जो है ये जो है एल्काइल हैलाइड ध्रुवित हो जाता है और ध्रुवन की घटना उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है। तो अब जो समझते हैं कि सी एफ से जाने की ओर, सी एफ से आई की ओर जाने पर क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सी एफ से पहले एफ से आई की ओर जाने पर क्या क्या होता है। एफ से आई को और अगर हम जाएंगे तो सबसे पहला तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। और वहीं पर जो विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, ये घट जाएगी और ये बढ़ेगी। एफ से आई की ओर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगा। तो एटॉमिक साइज जैसे ही बढ़ेगा तो इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा, सी एक्स बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो है उसमें कुछ ऊर्जा खपत होती है। इस कारण से जो बॉन्ड एनर्जी घट जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, सी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने के कारण, एफ से आई की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने के कारण इसकी ध्रुवन की घटना कम हो जाती है, पोलरिटी कम हो जाती है। तो इसकी जो ध्रुवता है ये कम हो जाती है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने के कारण ध्रुवता भी कम हो जाती है। और इस कारण से जो है डायपोल मोमेंट भी कम हो जाता है, इस कारण से डायपोल मोमेंट भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो सी एफ से सी आई की ओर जाने पर चार घटना होती है, सी एक्स बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, सी एक्स बॉन्ड एनर्जी घटता है, या एंथैल्पी की जगह एनर्जी भी बोल सकते हैं, सी एक्स बॉन्ड एनर्जी घटता है, सी एक्स बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है और डायपोल मोमेंट भी घटता है। डायपोल मोमेंट जो है वो क्यू इंटू टू एल होता है, कि आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। तो ये जो डायपोल मोमेंट होता है, तो ये भली भांति हम समझ गए। एक अपवाद भी आता है इसमें, एक आता है सी एच थ्री एफ और एक आता है सी एच थ्री आई। तो इसको सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा डायपोल मोमेंट जो घटता है, डायपोल मोमेंट घटता है, तो इसका मतलब एफ से आई की ओर जाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इस तरह से जो इसका जो सीरियल वाइज जो है हेलोजन फैमिली होता है, तो एफ से आई की ओर जाएंगे तो एफ से मान लीजिए हम सी एल तक गए, तो इसका मतलब ये घट जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने पढ़ा है डायपोल मोमेंट घटता है। तो डायपोल मोमेंट एफ से आई की, एफ से सी एल की ओर जाने पर तो जो घटेगी, तो इस कारण से जो एफ पे जितना होगा उससे कम जाएगा सी एल पे जाके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एफ ही कम रहता है। एफ का ही जो डायपोल मोमेंट इसमें कम होता है, तो सी एच थ्री का डायपोल मोमेंट जो वो कम होता है, और सी एच थ्री सी एल का जो डायपोल मोमेंट ये ज्यादा आता है। तो ये देखिए इसकी यहाँ पर जो है, यहाँ पर इधर से जाने पर घटता है, लेकिन यहाँ जो है एफ से सी एल की ओर जाने पर बढ़ गया, ये कम से ज्यादा हो गया, लेकिन रूल के अनुसार ज्यादा से कम होना चाहिए। तो ये अपवाद में आ जाता है, सी एच थ्री और सी एच थ्री एफ और सी एच थ्री सी एल, ये जो है अपवाद में आते हैं, क्योंकि जो है सी एच थ्री एफ का जो बॉन्ड लेंथ होता है, सी एच थ्री एफ का जो बॉन्ड लेंथ होता है और सी एच थ्री सी एल का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये कम होता है, इससे जो है कम होता है। सी एच थ्री सी एल से जो सी एच थ्री सी एफ का जो बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ जो है कम होने के कारण जो है इसका ध्रुवन भी कम होता है या डायपोल मोमेंट भी कम होता है। अब भले मानते समय जिसका जो डायपोल मोमेंट क्यों कम होता है, क्योंकि सी एच थ्री एफ जो इसमें जो सी एफ बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ है, वो सी 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 एल बॉन्ड लेंथ से कम होता है, इसलिए जो ये अपवाद में चलाता है। तो हम लोग भली बातें समझ गए सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे अगले वीडियो के लिए।